Hey guys, welcome to my vlog. I'm Bhavika Chaudhary and you are watching my vlog. So guys, मेरे थोड़े look को थोड़ा माफ करना because अभी मैं घर में हूँ ना तो मेरी हालत थोड़ी ऐसी है. Please excuse me for this. तो guys, आज मैं बनाने वाली हूँ एक healthy noodle. मैं मैदा avoid करती हूँ तो इसलिए मैं आटे वाला noodle खाने वाली हूँ. वो एक मिलेट का नूडल्स आते हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, शॉप से मिल जाएगा. ये तो मैं ऐप्स के बारे में बता रही हूँ, मैंने ऐप्स से मंगाया है. वेजी सब कुछ मैं ब्लिंकिट या ज़ेप्टो ही करती हूँ. मुंबई मेरा बाहर जाने का मन करता नहीं. सो ठीक है, हम लोग हेल्दी नूडल बनाते हैं जो मैं बहुत ही आराम से खा सकूँ. माई हेल्दी नूडल गाइज, ये कैसे बनता है? गाइज बहुत ईजी है. तो हमें चाहिए घी, साथ में केचप, साथ में सोया सॉस, ऑफकोर्स चिली सॉस एंड विनेगर. मैंने ऑलरेडी वेजीज चॉप करके रखी हैं, अनियन, कैप्सिकम, कैबेज, स्वीट अनियन, कैरेट एंड गार्लिक. ये है हमारा चॉप्ड पनीर. और गाइस पहले हम लोग एक पैन में, आप कढ़ाई ले सकते, कुछ ले सकते, पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ. ऑयल डालने के बाद बगल में ही मैंने घी लगा के फुल पैन तैयार कर रखा है ताकि मैं अच्छे से अपने जो पनीर मैंने चॉप किया है उसको मैं ऐसे फ्राई कर सकूँ घी में, क्योंकि मुझे घी में बहुत पसंद आता है. और मैंने अलग से ही साथ में पहले ही नूडल्स को पानी गरम करके उसमें ऑयल डाल के, नमक डाल के ऑलरेडी बॉईल कर लिया है. और देखना गाइस ऐसे गल ना जाए तुम्हारे नूडल्स, वो ध्यान रखना. ये है मिलेट के नूडल्स गाइस, इट्स हेल्दी, मेरी गारंटी है. कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मेरे फेवरेट है इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ. तो जो हमने कढ़ाई तैयार की थी उसमें मैंने गार्लिक डाल दिया है ऑयल में फ्राई होने के लिए. उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ अनियन. अनियन डालने के बाद इन दोनों को मिक्स करेंगे और साथ ही साथ अपने पनीर पे भी ध्यान देंगे गाइस, कहीं आपके पनीर जल ना जाए. मैं तो मल्टीटास्किंग कर रही थी, मैंने दीपा से हेल्प मांगी तो उसने डिनाई कर दिया, तो सारा काम मैं ही खुद कर रही थी. बीच में दीदी आई थी, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, लेकिन सारा काम ऑफकोर्स सारा लोड तो मुझ पर, क्योंकि मुझे को खाना है. तो गाइस यहाँ पे मेरे पनीर कुछ कुछ जल गए थे, आप लोग को जलने नहीं देने हैं. फिर मैंने सारा जितना भी मेरे पास ये रेडी था, मेरे चॉप्ड वेजिटेबल्स, मैंने सब मिक्स कर दिए, क्योंकि मेरे थोड़े थोड़े यू नो ज़्यादा पकाना भी नहीं है अनियंस को, वरना वो क्रंच चले जाएगा. उसके बाद लास्ट में डाला कैबेज. अब इसको भी मैं पूरा स्टर करूँगी कि ताकि जले ना. साथ ही साथ ऑफकोर्स आपको अपना पनीर का ध्यान तो ज़रूर देना है. उसके बाद अब मैं इसको स्टर कर रही हूँ कि ताकि मेरे वेजीज जले ना, क्योंकि मेरे मोस्टली जब मैं खाना बनाती हूँ तो जल जाता है, जैसे आप मेरे पनीर की हालत देख सकते हैं. ये अच्छे से हो गए हैं. इसके बाद मिलेट ही आपको मैगी मसाला देता है, आप डाल दीजिएगा. अगर आपके पास और होगा तो वो भी डाल दीजिएगा. मैंने केचप डाला है, अब मैं डाल रही हूँ चिली सॉस 2 स्पून. गाइस वैसे ना मैंने चिली सॉस आपको दिखाने के लिए 2 स्पून है, लेकिन मैंने और ऐड कर दी थी बिकॉज मुझे काफ़ी चिली पसंद है. उसके बाद मैंने सोया सॉस, विनेगर, सब कुछ लाइक अपने स्वाद अनुसार डाला. उसके बाद इसमें नूडल्स डाले और काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है गाइस. तुम्हारे मुंह पे पानी नहीं आ रहा क्या? आ रहा है तो डू कमेंट की हाँ हमारे मुँह पे पानी आ रहा है, पानी आ रहा है. अब मैंने वापस उसको स्टर करना स्टार्ट कर दिया. मेरी कढ़ाई ऐसे ऐसे नाच रही थी मेरे स्टोव के ऊपर, तो मैंने पकड़ के उसको स्टर करना शुरू किया. काफ़ी मज़ा आ रहा था और इतनी खुशबू हो गई थी मेरे किचन में गाइस. अगर तुम लोग हो तुम लोग पागल हो जाते, तुम लोग बोलते थे जितना बना उतने में ही खिला दो हमको. तो वापस मैं अपने अच्छे अच्छे शॉट्स लेने के लिए कैमरा आगे पीछे कर रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि मम्मी हर दिन चिल्लाती है जब भी मम्मी खाना बना रही होती है और मैं वीडियो लेती हूँ. मम्मी कहती हूँ गैस से दूर रख फोन अपना, फट जाएगा. पता नहीं गाइस वो फटेगा तो कब, लेकिन मेरी अच्छे से वीडियो बन चुकी है और आप देख सकते हैं. यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे नूडल्स कैसे. उसके बाद मैंने लास्ट में अपने फ्राइड पनीर भी डाल दिया है, एज यू कैन सी. इसको भी थोड़ा मिक्स कर लो कि ताकि उसका फ्लेवर भी उसमें चले जाए. मिक्स 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 मिक्स, अच्छे जितना तुम कर सकते हो गाइज मिक्स, उतने अच्छे से मिक्स करो, क्योंकि जितने भी हमने सॉसेज और मसाला डाला है वो सब एक दूसरे में घुल कर तुम्हारे मुंह में जैसे ही जाएगा ये नूडल्स. उसके बाद मैंने स्प्रिंग अनियंस डाल दिए थे गाइज, मैंने पहले ये चॉप कर रखे थे, तो स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है वो डाल दो और ये है तैयार. तो गाइज अब आपने देख ही लिया है कि कितना आसान है और मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ अपने नूडल्स को. इट्स हेल्दी ऑल्सो और घर में बनाओ, क्लीन खाओ, अपनी वेजीज खुद हाइजीन के साथ काटो, अपनी मम्मियों को फोर्स करो, बोलो बनाओ बनाओ, हमारे पास ये नूडल्स हैं जो हेल्दी है, मैदा भी नहीं, हम आराम से खा सकते हैं और घर में बैठ के बनाओ गाइज, इट्स अमेजिंग.
तुम जैसे मैंने बनाया तुम वैसे बनाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम बोलोगे वाओ दीदी। सो गो फॉर इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।